तो हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स क्या क्वालिफाई कर सकती है, उनका क्वालिफाई करना पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कैसे वो क्वालिफाई करेंगे और कितने परसेंटेज उनके चांस है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से, उनको बहुत बड़ा थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अब से आपको मेरे चैनल पर क्रिकेट और IPL से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको अगर क्रिकेट के लवर है तो मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पॉइंट टेबल में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की पोजीशन देखें तो वो अभी आठवीं पोजीशन पे चल रहे हैं, जिनमें गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स 19 मैच खेले और 6 मैच जीते हैं, और 44 पॉइंट के साथ वो आठवीं पोजीशन पर बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले मैच की, जो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और तमिल थलाइवास के बीच हुआ था। उस मैच में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की टीम काफ़ी अच्छा खेली और तमिल थलाइवास को 50-21 के बड़े स्कोर डिफरेंस से हराया। इस मैच में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स डिफेंस और रेडर दोनों झमके खेले, और डिफेंस ने 16 टैकल पॉइंट लिए, वहीं रेडर्स ने 27 रेड पॉइंट लिए थे। अगर गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को प्लेऑफ में पहुँचना है तो उनके पास 3 रास्ते हैं, और वो रास्ते मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हम पहले रास्ते से। तो पहला रास्ता यह है कि गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को प्लेयर्स अपने बच्चे सारे मैच जीते, और ये दुआ करें कि बेंगलोर बुल्स और UP योद्धा अपने बच्चे सभी मैच 7 से बड़े डिफरेंस से हार जाए। लेकिन ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि UP योद्धा और बेंगलोर बुल्स के एक एक मैच एक दूसरों के दूसरे की सामने है, तो ये रास्ता होना इम्पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे रास्ते की। तो दूसरा रास्ता यह है कि पहले तो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स अपने सारे मैचेस जीत जाए, और उसके बाद यू मुंबा और जयपुर किंग पैंथर में से कोई भी एक टीम अपने बचे हुए मुकाबलों में से एक से ज़्यादा जीत ना दर्ज कर पाए, और बेंगलुरु बुल्स और UP योद्धा में से कोई भी एक टीम अपने बचे हुए सारे मैच हार जाए, तो ही गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम है कि पहले दो स्टेप तो हो जाएंगे, लेकिन UP योद्धा और बेंगलुरु बुल्स का सारे मैचेस हारना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसके चांसेस 20-30% जीतने हैं। अब बात कर ले तीसरे रास्ते के, और सबसे मेन रास्ता, और ये इस सारे रास्ते में सबसे इजी रास्ता है। तो ये रास्ता है कि पहले तो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स अपने सारे मैचेस जीतना जरूरी है, और उसके बाद दुआ करें कि यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स अपने बचे हुए मैचों में से एक से ज़्यादा मैच जीत ना पाए, तो ही वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का सब खत्म हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के क्वालिफाई करने के चांसेस कितने हैं। तो अगर मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के क्वालिफाई करने के चांसेस अभी भी 40-50% तक है, और PKL का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी गेम पलट सकता है, और अच्छी देख रही टीम भी लगातार हार सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी उनके काफ़ी चांसेस है कि गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।